So, once again, I'm going to share my acting journey experience that how I got rejected, and I could not understand at that time. वाई इट हैपेंड तो हुआ ये कि मैं ऑलरेडी मेनली शो कर रही थी और वो टाइम ऐसा था जब हमें अलाउड होता था कि हम दो तीन शोज कर सकते थे आई वॉज ऑलरेडी डूइंग अ मेनली शो मतलब मैं ऑलरेडी नोन थी तो हुआ ये कि एक बार सेट पर एक जानने वाली प्रोड्यूसर आई और फिर मुझसे कहने लगें कि लता आई हैव सेलेक्टेड यू फॉर अ शो फॉर अनादर गुड कैरेक्टर वेरी वेरी गुड कैरेक्टर सो यू काम एन मीट मी एट दी ऑफिस ऑफिस में मीटिंग होने में कुछ दो तीन दिन थे अब मैं मुंबई में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी तो क्या हो रहा था कि जो स्टैंडर्ड्स ब्रिज करते हैं ना जैसे पहनावे का तरीका ये सब ये सब अडाप्ट करने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था और हमारा इतना वास्ट एक्सपोजर भी नहीं होता था तो आ, क्या हुआ कि मेरा पहनावा वग़ैरह अभी भी काफ़ी कुछ लखनऊ जैसा था और मुंबई में मैं देखती थी कि काफ़ी जो है वो एडवांस तरीके से लड़कियां तैयार होती थी, थी खास करके एक्टिंग प्रोफेशन की तो मैं अपने चारों तरफ उन्हें देखती थी और काफ़ी इन्फ्लुन्स होने लगी तो वो काफी अलग तरीके से तैयार होती थी तो मैंने सोचा कि इस बार जब मैं मीटिंग के लिए जाऊंगी तो मैं भी कुछ इनकी तरह तैयार होकर जाऊंगी तो मैं फटाफट जो बीच में दो तीन दिन का टाइम था उसमें मार्केट गई और वहां से जो है अपने लिए कपड़े खरीदे कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे नील पेन से मतलब पूरा एकदम रेडी होने का सामान होता है ना सब कुछ एकदम रेडी कर लिया कि इस बार तो एकदम जबरदस्त बन के जाऊंगी मीटिंग के लिए खैर मीटिंग वगैरह हो गई और मैं वेट करने लगी उनके फाइनल आंसर का मुझे तो पूरा यकीन था हो ही जाएगा क्योंकि उन्होंने बोला वो मुझे पहले ही सेलेक्ट कर चुकी थी लेकिन जब उनके ऑफिस से जवाब आया उन्होंने खुद नहीं दिया इनफैक्ट किसी के थ्रू अपने असिस्टेंट के थ्रू कहलवाया तो वो ये था कि आई वॉज रिजेक्टेड आई वॉज रिजेक्टेड एंड आई डिड नॉट नो वाई बहुत इंसिस्ट करने पर मुझे असिस्टेंट ने बताया कि वो कह रही थी कि वो पता नहीं क्या बन के आ गई थी मुझे लग ही नहीं रहा है कि वो उस रोल में फिट होगी वो कैसी बन के आई थी एंड नाउ आई विल शेयर व्हाट आई एक्चुअली वोर मैंने जो रात में पार्टीज़ में लाउजेज़ में लोग कपड़े पहन के जाते हैं ना एक बड़ा अच्छा सा नेट का स्ट्रेचबल सा रेड कलर का यहाँ पर जो फर वाली फ्रिल होती है ना फर लगा हुआ वो टॉप पहन लिया था साथ में पैंट पहन पैं ली थी एकदम जो स्किनी टाइट ब्लैक कलर की शाइनी पैंट पहन ली थी और आप में लगा लिया था मोटा मोटा काजल उसके साथ बाल उस टाइम पे मेरे बहुत लंबे थे बाल लंबे लंबे खोल लिए अब आप ही होलिया देख के सोच ही सकते हैं मैं कैसी लग रही होंगी? क्या पहना था और आज जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं पहनने से कुछ नहीं होता है आपको कैलेबर चाहिए यू नीड कैलेबर लेकिन पहनने से कुछ नहीं

Be yourself, be confident and shine from inside.